क्या है? जब वो मत अगर आगे जाएगा तो ये सरकार को भ्रष्ट होगा और ये पूंछ में जाकर जैसे कारगिल की लड़ाई हमने जीती थी वैसे पाकिस्तान एक भी उसको या आएगा नहीं और उसको रोकने की ताकत और सैनिकों का मनोबल बढ़ाना है तो कोई भी देश में जब युद्ध होता है तो वो युद्ध में सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का काम ये उस देश की जनता करती है और जिस देश की जनता ये राष्ट्रभक्त होती है जिस देश की जनता अपने भूमि को ना मानती है जिस देश की जनता अपने भूमि को नमन करती है जिस देश की जनता अपने भूमि को वंदन करती है ऐसे देश जो है वो सैनिकों को सामने मनोबल बढ़ाकर सैनिकों की हिम्मत बढ़ती है जो सैनिकों के मशीन गन में 100 गोलियां है तो 100 गोलियां 100 लोगों को उड़ा देगी और पाकिस्तानी लोगों को मैं यहाँ से चेतावनी देना चाहता हूँ यहाँ भी कुछ लोग पाकिस्तान को रिपोर्टिंग करने वाले हैं दो तीन लोगों ने बोला कि डायरेक्ट लाहौर और कराची में उन्होंने मोबाइल चालू करके रखा है तो मेरा भी पहला सुनो ये लोग कहेंगे और इससे भी थोड़ा कहेंगे तो तुम सावधान हो जाओ और जो कुछ छोटी स्थिति मिलती है अपने देश के गरीब जनता को खिलाओ ये भारत के बाजू में आने की कोशिश मत करो नहीं तो तुम्हारा नाम नक्शे में से निकाल दिया जाएगा हमारे राष्ट्रीय मंत्री मुंबई के नेता श्री गिरीश सोमैया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता जो विशेष करके आज कार्यक्रम के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी मुंबई भारतीय जनता पार्टी जिनके नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम हो रहा है श्री राजपुरोहित जी हमारे मुंबई के नेता और महाराष्ट्र विधानसभा विधान परिषद के दो विरोधी पक्ष नेता विनोद तावड़े साहब हमारे मुंबई के महामंत्री अतुल भातखलकर जी सभी मुंबई हमारे पूर्व सांसद हमारे नेता आदरणीय रामभाव नाईक यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता और मुंबई में उपस्थित मुंबई की सारी जनता भाई और बहनों आज सारे हिंदुस्तान में नुक्कड़ नुक्कड़ पर गलियों गलियों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये रास्ते पर आया है ये पाकिस्तान को चेतावनी देने के लिए आया है कि अभी बस इनफ इज इनफ और आपने जो ये दो हत्याएं किए जो निर्गुण हत्याएं हर एक हिंदुस्तानी के दिल में ये लगा है और पाकिस्तान समझ गए क्या क्या चिंगारी जो आपने लगाई है ये अब हम शांत बैठने वाले नहीं है एक धक्का और दो पाकिस्तान को चल दो बोलो अभी इसको एक धक्का और दो पाकिस्तान चल दो पाकिस्तान को कुचल दो अभी रमेश जी बोल रहे थे ना कि पाकिस्तान के भड़वे भी यहाँ पर एक तो जरूर खड़े होंगे जरूर खड़े होंगे ये जाना चाहिए उन तक कि देश की जनता भारत का एक नागरिक आज चिड़ा हुआ है अरे नक्शे पर से नाम मिटा दो पाकिस्तान का अरे नक्शे पर से नाम मिटा दो पाकिस्तान का अन्य नेता बोलने वाले हैं इसलिए मैं आदरणीय राजपुरोहित जी से विनती करता हूँ कि आगे कौन बोलेंगे थे हमारे भारतीय जनता पार्टी
की जय। वंदे मातरम। भारत।